वेलकम नवांकुर डीजी लेसन में आज आप इलेवेंथ मैथ वालों का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 लीनियर इनइक्वलिटीज रेखीय असमिकाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो असमिकाएं इनइक्वलिटीज क्या होती हैं? हमें ऐसे कथन मिलते हैं जिनमें लेस देन से कम, ग्रेटर देन से अधिक, लेस देन इक्वल से कम या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल अधिक है बराबर है, से अधिक या बराबर चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। इन्हें असमिकाएं कहते हैं, इनइक्वलिटीज कहते हैं। हमें ऐसे कथन मिलते हैं जिनमें छोटा है से कम, बड़ा है से अधिक, छोटा है बराबर है से कम या बराबर है, बड़ा है बराबर है, इसका मतलब है से अधिक या बराबर चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। इन्हें हम असमिकाएं कहते हैं। असमिकाएं जैसे रेखीय असमिकाएं जिसमें एक चर होता है, सिर्फ x है इसमें, तो ए एक्स प्लस बी इज लेस देन जीरो, ये असमिका है। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये सभी असमिकाएं हैं। ए एक्स प्लस बी इज लेस देन इक्वल जीरो, चौथा है ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। फिर दुई चर वाली असमिकाएं ए एक्स प्लस बी बाय, इसमें दो चर हैं एक्स है और बाय, तो ए एक्स प्लस बी बाय इज लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी बाय इज ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी बाय इज लेस देन इक्वल सी, ए एक्स प्लस बी बाय इज ग्रेटर देन इक्वल सी। तो ये एक चर वाली, दुई चर वाली और दुई घात वाली। अब दुई घात वाली क्या हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो। पहली वाली में लेस देन इक्वल लगा है और नीचे वाली में ग्रेटर देन अकेला लगा है इक्वल जीरो। तो इसमें जो सीरियल नंबर हैं फर्स्ट सेकेंड 5, 6, 10, ये कौन सी इनइक्वलिटीज हैं? सुनिश्चित असमिकाएं। और सीरियल नंबर 3, 4, 7, 8, 9, इनको इनइक्वलिटीज कहते हैं, असमिकाएं कहते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इनको ही इनइक्वलिटीज कहते हैं। ऊपर वाली क्या हैं? सुनिश्चित असमिकाएं। और ये मेन असमिकाएं क्या होती हैं? 3, 4, 7, 8, 9 नंबर्स के जो इक्वेशंस हैं वो असमिकाएं कहलाती हैं। अब सीरियल नंबर 1 to 4 तक की इनइक्वलिटीज एक चर एक्स, वन वेरिएबल एक्स के रेखीय असमिकाएं हैं। इनको वन वेरिएबल है इसलिए रेखीय असमिकाएं, वन वेरिएबल होता है उसको हम रेखीय असमिकाएं कहते हैं। सीरियल नंबर 5 से 8 की जो इक्वलिटीज हैं वो टू वेरिएबल्स हैं, दो चर राशियों, टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इसमें एक्स है और बाय है के रेखीय असमिकाएं हैं। तो ये टू वेरिएबल वाली इनइक्वलिटीज हैं 5, सीरियल नंबर 5 to 8, टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वलिटीज। सीरियल नंबर 9 to 10 की जो इनइक्वलिटीज हैं, असमिकाएं हैं, वो रैखिक नहीं है, लीनियर नहीं है। यह एक चर राशि x के दुई घात बाइनोमियल असमिकाएं, दुई घात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें।
नाइन टेन की जो इनइक्वलिटीज हैं वो लीनियर नहीं है। यह एक चर राशि एक्स के द्विघातीय समका हैं, बायनोमियल इनइक्वलिटीज है। तो इक्वलिटीज के विषय में हमने जाना, एक चर द्विघात, सुनिश्चित समकाएँ और असमकाएँ क्या होती हैं और द्विघातीय समकाएँ क्या होती हैं, तो इनके साइन, इनके इक्वेशंस, इनको अपन ने समझा। इसके बाद आता है एक चर राशि के रैखिक असमकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण। तो इन इक्वलिटीज में जो हैं सभी के ग्राफ बनाए जाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाना है उसके विषय में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अपन को ध्यान में रखना है और उनको अपने बनाते जाना है। तो एक चर राशि के रैखिक असमकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखीय निरूपण, एलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल एंड दियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वन वेरिएबल हो उनको सॉल्यूशन अपन को किस टाइप से निकालना है उस चीज़ को अपने देखना है। रूल वन, नियम वन क्या है, एक समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। तो फर्स्ट रूल्स क्या है, जैसे अपन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे नाइन टेंथ में, जैसे एक्स की वैल्यू निकालना है अपन को तो कुछ संख्याओं को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड अपने कुछ ऐड भी प्लस है तो माइनस करना पड़ता था, माइनस है तो प्लस करना पड़ता था, डिवाइड इनटू है तो डिवाइड करना पड़ता था और डिवाइड है तो इनटू करके इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को अपन फाइंड करते थे। तो एक्स की जो वैल्यू जोड़ने घटाने से भी हो जाएंगी, पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। रूल सेकंड, एक समीकरण के दोनों पक्षों में दोनों साइड में समान शून्येतर संख्याओं से गुणा अथवा भाग किया जा सकता है, मतलब चारों संख्याएं इस इक्वेशंस में लगाई जा सकती हैं, जोड़ना घटाना गुणा और भाग। तो इस प्रकार से अपन इन रूलों रूल के हिसाब से चलते हुए इन असमिकाओं को अपने हल करना पड़ता है। अब ऋणात्मक संख्याओं से असमिकाओं के दोनों पक्षों को गुणा या भाग करने पर असमिका के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। ऋणात्मक संख्याओं से असमिका के दोनों साइड में गुणा या भाग करने पर असमिका के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन रूल्स के हिसाब से एक चर वाली असमिकाओं को अपने सॉल्व करना की प्रक्रिया को समझना होता है। अब आगे दो चर राशियों के रैखिक असमिकाओं का आलेखीय हल। अब एक चर वाले के नियम पढ़े, अब दो चर जिनमें एक्स और वाई दोनों हों उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाले राशियों को अपन कैसे ज्ञात करते हैं, उनको भी इसी प्रकार ज्ञात करते हैं, इक्वेशंस उनके भी रूल्स दिए हैं और ग्राफ में देख रहे हैं एक्स अक्ष है वाई अक्ष है बीच में और फर्स्ट नंबर डला है वहाँ बाया अर्धतल है और सेकंड पार्ट्स दो डाला गया है उसमें दाया अर्धतल है। इसी प्रकार ये सेकंड लाइन जो खींची गई है ऊपरी अर्धतल और उसके नीचे वाला निचला अर्धतल। नंबर वन, वह क्षेत्र जिसमें किसी असमिका के संपूर्ण हल स्थित हों उसे असमिका का हल क्षेत्र कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें किसी इनइक्वलिटीज का
टोटल सॉल्यूशन हो उसको सॉल्यूशन रीजन कहते हैं, हल क्षेत्र कहते हैं, सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें किसी असमका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमका का हल क्षेत्र या सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। सेकंड, किसी असमका द्वारा निरूपित क्षेत्र को पहचानने के लिए किसी अर्धतल में केवल एक बिंदु ए बी लेकर जांचना ही पर्याप्त है कि वह उस असमका को संतुष्ट करता है अथवा नहीं। यदि यह बिंदु असमका को संतुष्ट करता है तो असमका उस अर्धतल को निरूपित करती है। तो जो पॉइंट ए और बी लेना है वो अपन को मन से लेना है, और ऐसे लेना है कि इन पॉइंटों के द्वारा अपन ग्राफ को बना सकें। ज़्यादा बड़े भी नहीं लेना है, ज़्यादा छोटे भी नहीं लेना है। पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, अपॉन में भी ले सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं। लेकिन जब अपॉन और पॉइंट में लेंगे तो जो ग्राफ जो बनाएंगे वो ग्राफ पेपर पर ही बन सकता है। अगर कॉपी पर ग्राफ पेपर बनाना है तो अपन को बिना पॉइंट वाली, बिना डिवाइड वाली नंबर्स को ही चूज करना पड़ेगा, और ऐसा करके अपन उस जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करके और अपन पॉइंट एक्स और वाई के पॉइंट निकाल लेंगे, और एक्स और वाई के पॉइंट जो निकलेंगे उनकी टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद उसमें फिर एक मेन चीज़ होती है मूल बिंदु। मूल बिंदु रखकर अगर देखेंगे, मूल बिंदु से अगर वो संतुष्ट हो रही है तो तल ऊपर की ओर रहेगा, और यदि संतुष्ट नहीं हो रही है तो तल नीचे की ओर रहेगा। तो ये सॉल्यूशन अपन जब सीखेंगे तब ये सॉल्यूशन के हिसाब से क्लियर हो सकेगा। पॉइंट थ्री, यदि एक असमका ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल सी और ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल सी के स्वरूप की है, इस टाइप की है, तो अपन को सॉल्व करने के लिए इसको, इस लाइन को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। तो ये इन इक्वलिटीज को जो साइन लगे हुए हैं लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, तो वहाँ पे इक्वल लगा देंगे ओनली ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी। पर स्थित सभी बिंदु भी उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, इसलिए हल क्षेत्र पर गहरी काली रेखा खींचते हैं। तो जब अपन इनका ग्राफ बनाएंगे तो इन ग्राफ बनाने के पूर्व जो भी लाइन अपने पास होगी उसको इस टाइप से लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बाय बराबर सी, और इसमें पॉइंट बिंदु रखकर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इससे इस टाइप के अगर चिन्ह हैं ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, तो स्थित सभी बिंदु भी उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, और मेन लाइन जो लिखी है इसलिए हल क्षेत्र पर गहरी काली रेखा खींचते हैं। तो जो हल क्षेत्र बनाएंगे अपन, जो ग्राफ की जो लाइन मेन बनेगी वो कैसी बनेगी, हल क्षेत्र पर गहरी काली रेखा खींचते हैं, गहरी काली रेखा। मेन पॉइंट क्या नोट करना है, हल क्षेत्र पर गहरी काली रेखा खींच के ही ग्राफ बनाना है, अलग टाइप से नहीं बनाना है। फोर्थ, यदि इन इक्वलिटीज ए एक्स प्लस बी बाय इज लेस देन, साइन पे ध्यान देना, ए एक्स प्लस बी बाय इज लेस देन ग्रेटर देन सी और ए एक्स प्लस बी बाय इज लेस देन सी के स्वरूप की हैं, साइन पे ध्यान दे रहे हैं, या लेस देन लगा हो या ग्रेटर देन, इस टाइप की अगर इक्वलिटीज हैं, असमकाएं हैं, तो रेखा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। तो इनको भी लाइन में क्या लिखेंगे, ये साइन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन हटाकर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी लाइन ही बनाएंगे, रेखा ही बनाएंगे।
अब इस रेखा में एक्स के पॉइंट मन से वाई के पॉइंट मन से पुट करते जाएंगे पर स्थित सभी बिंदु उसके हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते, इसलिए हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होते इसलिए हल क्षेत्र पर रेखा को बिंदुवत या खंडित खींचते हैं। तो जो भी ग्राफ बनाएंगे उसकी जो मेन लाइन आएगी वो खंडित डैश डैश करके बनाएंगे, उस लाइन को डार्क लाइन नहीं खींचेंगे, बिंदुवत हल क्षेत्र पर रेखा को बिंदुवत डॉट 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 करके लगाएंगे या खंडित खंडित डैश 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 लगाते जाएंगे, लेकिन डार्क नहीं करेंगे। अगर ये इक्वलिटीज हैं तो इन इक्वलिटीज में जो लाइन खींचना है उस पर विशेष ध्यान देना, बिंदुवत या खंडित ही खींचें। अगर इसके अलावा ऊपर वाली लाइन डार्क वाली लाइन खींच दी तो ये गलत माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है अशमकाओं के निकाय का हल क्षेत्र वह उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो निकाय में सभी दी गई अशमकाओं को संतुष्ट करता है। तो अपन जब दो इनइक्वलिटीजों को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने पर दोनों लाइन की जो ग्राफ बनेगी, ग्राफ बनने पर दो लाइन का जो कटान बिंदु आएगा उस कटान बिंदु को ही उसका हल क्षेत्र कहते हैं। और वो ही यदि दोनों एक लाइन को सॉल्व करके भी देखेंगे और एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो ही ग्राफ में क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स। कितने मिनट